हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये डेटा लिखा हुआ है। डेटा में हमें कैलकुलेट करना है, हमारे पास स्टार्ट डेट है, स्टार्ट टाइम है, एंड डेट है और एंड टाइम है, उनका डिफरेंस आवर्स में कैलकुलेट करना है। या इसको हम एक केस स्टडीज की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और आपने एक ट्रक भेजा है किसी साइट के ऊपर, और वो भेजा है आपने 7/1/2021 को सुबह 8 बजे, और वो आपके पास जब वो साइट पे पहुंचा होगा तब होगी होगी 7/2/2021 सुबह 8 बजे। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि ये कितने टाइम में पहुंचा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों डेट और टाइम को सबसे पहले मर्ज कर देंगे। और उससे पहले भी हमें सीखना होगा कि डेट और टाइम बेसिकली एक्सेल किस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो दोस्तों, डेट और टाइम दोनों को ही एक्सेल के अंदर एक वैल्यू माना जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ ये डेट है 7/1/2021, और अगर यहाँ से हम डेट के फॉर्मेट को चेंज करके यहाँ से जनरल फॉर्मेट कर देते हैं तो एक नंबर हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली अगर हम टाइम वाले को कर देते हैं तो टाइम में भी एक नंबर आएगा, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इस नंबर को इज इक्वल टू दिस वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 24 करता हूं और एंटर कर देता हूं, तो हमारे पास क्या हुआ, 8 आया। मतलब ये सुबह के 8, 24 से हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो 24 की जो राउंड क्लॉक होती है उसमें सुबह के 8 को हम 8 लिखते हैं और शाम का 8 को क्या लिखते हैं, 20। अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक बार फिर से नंबर फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट में कर लेता हूं और यहां से इसको मैं 20 कर लेता हूं, तो ये देखिए यहां से नीचे के वाली जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हर एक नंबर की एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें आपने, अगर आपके पास कोई इस तरीके की वैल्यूज आ रही हैं यहां, जैसे यहां पे डेट की आ रही है, तो आपने फॉर्मेट को चेंज कर लेना है और आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ठीक हो जाएगी। ये देखिए ऐसी सिमिलरली मैंने एंड में भी, एंड डेट में भी कर लेना है और एंड टाइम में भी कर लेना है। तो फॉर्मेटिंग में कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा स्टार्ट डेट और एंड डेट को। कैसे करूंगा, देखिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, बस इतना ही करना है। एंटर कर दोगे तो यहां से ये एक ही सेल के अंदर टाइम भी आएगा आपके पास और डेट भी आएगी। सिमिलरली हमने इस सेल में भी किया और एंड डेट में भी किया। अब हमने क्या करना है, इनका दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते ही क्या होगा, हमारे पास टोटल आवर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एंड डेट वाली वैल्यू माइनस स्टार्ट डेट वाली वैल्यू और एंटर कर देंगे। जैसे आपने एंटर किया तो ये एक आया, एक मतलब एक दिन, इसने आपको एक दिन कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब अगर हम इस एक दिन को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में तो हमारे पास काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसको 24 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट बंद कर लेता हूं, इस तरीके से एंड में जाता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 24 और एंटर। अब क्या हुआ, मतलब इस टाइम, इस डेट और टाइम, इस डेट और टाइम के बीच का जो डिफरेंस था वो 24 आवर्स था। अगर देखिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर मैं यहां 8 AM की जगह 9 AM कर देता हूं तो क्या हो गया, 25 AM हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा और यहां इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, तो यहां पे 53 आवर्स का हुआ। तो इस तरीके से आप टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। आपने बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास सिस्टम में डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आपने उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करते ही वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।